भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और देखते हैं आज क्या क्या बड़ी खबरें इसमें लगी हुई है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका सर्वे कराएं, ऐसा आपकी राज्यपाल महोदय जी कह रही हैं। तो एक जानकारी आ रही है जिसको अगर आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके लिए एक समझ लीजिएगा एक नया जो काम आया है उससे आप रूबरू हो पाएंगे। ये विभाग हम सबसे न जाने कितना काम, नया नया काम हम सब पर डालता जा रहा है। किसी भी तरह का सर्वे हो, कोई भी कार्य हो, सारा का सारा कार्यकर्ताओं से ही कराया जा रहा है। और इसका जो मेहनताना है ढंग का आज की समय को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, तो वो काफी कम है, जिसके चलते आर्थिक तंगी बहनों के सामने बनी रहती है और काम करना उनके लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि रोजगार छोड़ नहीं सकती और कोई उनके पास दूसरा चारा नहीं है। अब ऐसे में इसी का विभाग सरकार फायदा भरपूर उठा रही है। आइए देखते हैं यहां पर अब क्या काम है जो कार्यकर्ताओं पर सरकार डालने वाली है। अब आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थी से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जाए, साथ ही उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बना करके केंद्र व राज्य सरकार को सौंपें ताकि उसके अनुसार सरकार भी अपनी योजना बनाए। उन्होंने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों के सम्मेलन में यह निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों में ग्राम प्रधानों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वहां पर शामिल करें और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए ताकि उनका लाभ जनसामान्य को मिल सके। उन्होंने विश्वविद्यालय को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के सभी उपायों पर अमल करने का निर्देश देते हुए कहा है, यदि जरूरत हो तो उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय का भ्रमण कर वहां की कार्यप्रणाली को देखें। अब बताइए, जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं अब वो क्या करेंगे, उनसे क्या काम लिया जा रहा है वो आप समझ चुके होंगे। उनसे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करवा रही है, बस साफ सुथरी बात यह है। और इस काम में और किसकी मदद ले रही है, ग्राम प्रधानों की ली जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ली जा रही है। अब सोचो, जो कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसका कार्य पढ़ना होना चाहिए या फिर सरकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी सरकार जो योजनाएं चला रही है, मानते हैं कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी योजना चलती है उसके पीछे जनता का कल्याण करने का ही एक मेन उद्देश्य होता है, लेकिन क्या इसका प्रचार प्रसार या उनको पहुंचाने का जो एक जरिया है, क्या वो विद्यालय के विद्यार्थी ही जो है सरकार को दिखाई देते हैं? उनका काम पढ़ना है कि सरकार का इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। अरे गवर्नमेंट को प्रचार प्रसार करना है तो कम से कम लोगों को रोजगार दे, किसी अन्य विभागों में लोगों की संख्या को बढ़ाएं, उनको वहां पर तैनात करें, उनको उनका मेहनताना दें, इस कार्य को करवाने के लिए लोगों को उसका एक रोजगार मिलेगा। लेकिन नहीं, यहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी जो होंगे वो ऐसे ही ठेके पर होंगे, जो अपना बस काम निकालनी गवर्नमेंट है, कभी ठेके के आधार पर कभी कुछ। जैसे आपने देखा सेना में भर्ती वाले जो जवान है, अग्निवीर नाम दे दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, बस अलग हट जाइए, 4 साल में क्या वो कर लेगा, जो 14 साल नहीं 24 साल जो पढ़ाई करता है और 24 साल में पूरी जिंदगी जितना पैसा वो खर्च करता है उतना वो 4 सालों में क्या गवर्नमेंट कमा पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, जो मिलेगा वो बहुत नहीं है, उससे एक आने वाले समय में आप बिजनेस भी नहीं शुरू कर सकते। कहने के लिए गवर्नमेंट कहती है 12-13 लाख में सब हो जाएगा, 12-13 लाख में क्या हो जाएगा बताइए? तो आप सोचिए यहां पर, और क्या पूरी फिर पढ़ाई का जरिया उनका बस यही रह गया? क्या सबके सब जो भी वहां से निकल के आएंगे जवान, क्या सबको बाद में नौकरी मिल जाएगी? तो सोचिए इस तरह से। अब अभी तमाम सवाल उठ रहे, कोई कह रहा है बैंक कर्मियों
कंपनियों में भी जो ऐसे वहां पर लगाए जाएंगे, ठेके पर ऐसे भर्तियां होंगे, ऐसे हर जगह लोगों के मन में अब शंकाएं बढ़ गई। खैर जो भी है, बाकी तो सरकार की मंशा आपके सामने है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एनएसएस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का इधर उधर जो है सर्वे कराओ और जो है उसको आगे प्रचार प्रसार में बढ़ाओ। तो ये सब चीजें करवाई जा रही है जो कि अपने आप में सरकार पर सवाल खड़ा करती है। कोविड के टाइम पर आपने देखा था कैसे मेडिकल वाले जो बच्चे थे उनका सरकार ने भरपूर जो है यहां पर फायदा भी उठाया। अब फायदा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब जरूरत थी, जब मुसीबत का टाइम था, तो उन सबको उन्होंने काम पर रख लिया जब उनकी जान भी जोखिम में पड़ी थी। ठीक, अब उसके बाद में जैसे ही वो खत्म हुआ सरकार ने उनको हटा दिया। अरे कम से कम लगाया था उस विपरीत परिस्थितियों में, तो कम से कम अभी भी उनको लगाए रखते। वहां से काम वो खत्म हो गया तो किसी अन्य काम में लगा देते, कहीं ना कहीं तो उनको रोजगार देते भाई। लेकिन उनको हटा क्यों दिया आपने जब ऐसी परिस्थितियों में लगाया था, जब परिस्थितियां विषम थी। अब सब कुछ ठीक हो गया, सामान्य हो गया, तो उनकी आपको जरूरत नहीं, उनको आपने हटा दिया। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग समझते हैं तो उनको काफी दुख होता है, लेकिन काफी लोग भक्ति में लीन रहते हैं तो उनको अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। उनको दिखती है तो केवल अपनी पार्टी दिखती है और उसके सारे डिसीजन दिखते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन सही गलत को कम से कम पहचानना तो सीखिए, क्या सही है, किसका आपको सपोर्ट करना है, किस चीज का जो यहां पर विरोध भी करना है। इधर बात करते हैं उमा श्रीवास्तव जो सीतापुर से आती हैं, इन्होंने सीतापुर में जो डीपीओ हैं उनके स्तर से जारी एक लेटर हमारे पास भेजा है जो कि 4 अगस्त को उन्होंने जारी किया था। अब हम दूसरे मैटर पर बात करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि विभिन्न स्तरों से प्रायः यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ परियोजना कार्यालयों पर विभागीय कर्मचारियों से इतर यानी कि बाहरी, अपने विभाग के नहीं है लोग, अलग से किसी न किसी व्यक्ति को कार्यालय में वहां पर तैनात कर रखा गया है, वो दखल देते रहते हैं, तो जिससे महिला कर्मचारियों को कार्य करने में वहां पर असहजता महसूस होती है और यह स्थिति बेहद ही आपत्तिजनक है। परियोजना कार्यालय में किसी भी कर्मी के संबंधियों का दखल क्षम्य नहीं होगा। यदि भविष्य में दो हस्ताक्षरी के निरीक्षण में अथवा शिकायत में किसी भी कार्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के दखल की पुष्टि होती है तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी इसको जो है यहां पर उत्तरदायी इनको मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा डीपीओ सीतापुर के उन्होंने अपने वहां के सभी सीडीपीओ लोगों को बोल दिया है। आप देखते हैं इस चीज को अमल में कितना लाया जाता है, क्योंकि परियोजना कार्यालयों में आप सब जानते हो कई ऐसे लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से उसमें जुड़े रहते हैं और कार्यों को करते हैं और वहां पर लूट खसूट के भी मैटर सामने आते हैं। कई केसेस में तो बहनों ने कहा है कि वहां पर लोग कई जगह, तो अभी हमारे पास ऐसे से मैटर है, मैं क्या बताऊं, यूनियन वाले ही जो यहां पर भ्रष्टाचारी को बढ़ाने के लिए जो है बहनों का शोषण कर रहे हैं। अब ऐसे में बहन ने बताया, सबूत भी सारे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है उन्होंने मना कर दिया। वो तो बेचारी आगे बढ़ने के लिए भी जा रही थी, यहां तक कि मुख्यमंत्री के पास भी जाने को तैयार थी, निकल भी चुकी थी, लेकिन फिर वही उनका वही सब जो रोना गिड़गिड़ाना, बस इसी के चक्कर में उन चीजों को छोड़ दिया। अब ये चीजें हैं, ये समझ लेना कड़वा सत्य है आपका कि काफी जगह शोषण जो हो रहा है वो मिलजुल करके हो रहा है, ये ध्यान देखना, इसको कभी मत भूलना। अब इधर हम बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सीतापुर की हैं, इन्होंने एक अगला लेटर 19 जुलाई को जारी किया। अब ऐसे देखो यहां पर जो लेटर आते हैं तो काफी खुशी होती, जैसे सीतापुर के इन डीपीओ महोदय ने जारी किया कि परियोजना कार्यालयों में कोई भी अनाधिकृत रूप से जो बाहरी इतर जो व्यक्ति है वो नहीं रखा जाएगा, विभाग से जुड़ा है बस वही रहेगा, अलग से कोई नहीं आएगा। अलग से आने का मतलब ही क्या है भाई, वहां पर कोई लड्डू थोड़ी बट रहे हैं जो आ रहा है और वहां पर जो है काम करेगा फ्री में आकर के, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई तो उल्लू उसको सीधा ही करना है, चाहे वो वहां पर शोषण फैला रहा हो या फिर कोई अन्य तरह का कुछ भी गलत कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो है जो बाहरी व्यक्ति बिना किसी तरह से वहां पर क्यों अपना समय देगा। तो इसीलिए उस शोषण ही एकमात्र यहां पर कारण स्पष्ट हो जाता है और इन चीजों को रोकना अपने आप में एक अच्छी बात है। तो सीतापुर के डीपीओ महोदय ने जो कहा है वो बढ़िया है, सब जगह ये फॉलो होना चाहिए और वहां पर भी जो भी बाहरी व्यक्ति हैं जगह जगह उनको हटाना चाहिए। ऐसे में वहां पर उनका ऐसे लोगों का होना अपने आप में बताता कि वहां पर कहीं ना कहीं शोषण के लिए ऐसे लोगों को रखा जाता है। अब देखिए यहां पर प्रायः या संज्ञान में आ रहा है कि परियोजना कार्यालय यहां पर समयानुसार ना तो खुलते हैं और ना ही निर्धारित समय पर वो खुले रहते हैं। कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते हैं और अधिकारी कर्मचारी प्रभारी इनको बिना सूचित किए अवकाश पर भी चले जाते हैं, जिससे समस्याओं की सुनवाई वहां पर नहीं हो पाती है और शासकीय कार्य प्रभावित भी हो जाते हैं। अब ऐसे में उनका कहना है कि यहां पर सूचना मांगी जाती है कि उसमें यह प्रकाश में आता है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी
अधिकारी अभी पहुंचे नहीं है अथवा अवकाश पर हैं। ऐसे में जब उच्च अधिकारी द्वारा जब सूचना चाही जाती है तो असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि यहां पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा। जिन परियोजना पर बाल विकास परियोजना अधिकारी तैनात नहीं है वहां के कर्मिकों का 2 दिवस में वहां पर जो है अधिक अवकाश अधोहताचरी के स्तर में स्वीकृत होगा। और यहां पर औचक निरीक्षण अथवा पूछताछ में यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के बगैर सूचना में अवकाश रहने पर स्थिति प्रकाश में आती है तो संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अगर किसी को अवकाश लेना है तो भैया साफ सुथरी बात है कि सूचित कर दो। बिना सूचना के जो है नदारद रहना अपने आप में एक समस्या का कारण बन जाएगा आपके लिए भी, और उच्च अधिकारी अगर कोई मान लीजिए अचानक जांच करने आ गया तो आपके ऊपर वाले लोगों के लिए भी बन जाएगा। तो मनोज कुमार राव जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कि सीतापुर के हैं, इन्होंने एक अगला ये भी लेटर निकाला था। अब इधर बात करते हैं अगली एक जानकारी की जो कि आ रही है बाल विकास परियोजना जो है यहां पर आप देख रहे हैं ये एक माधवगढ़ पड़ता है वहां से आ रही है। इसमें इनका कहना है कि बाल विकास अधिकारियों की अनदेखी से गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हुए हैं। 3 साल बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर अधूरा पड़ा है। नारेबाजी करके ठेकेदारों पर लगाया है सुस्त पूर्ण कार्य करने का आरोप। अधिकारियों की अनदेखी पर जताया है गुस्सा, शिकायत भी की गई है। माधवगढ़ के सुरावली गांव में नारेबाजी करते ये ग्रामीण आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे एक जगह नहीं, ऐसे तमाम जगह आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में धांधलियां होती हैं। बजट आता है लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। अब ऐसे में फिर से जो है वित्तीय वर्ष निकलते जाते हैं और उसी कार्य को लेकर के बार बार बजट भी जारी किए जाते रहते हैं और लूटने वाले अपना पेट भरते रहते हैं और केंद्र जो है कभी हैंडओवर हो ही नहीं पाता। विद्यालय में जगह ना होने से बच्चे वहां परेशान हैं। कई बार ग्रामीणों ने केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग रखी। देखो एक ये ग्रामीण है और कुछ आपके वहां के भी ग्रामीण होंगे जिनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। उनको आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है आंगनबाड़ी में आने वाले कच्चे राशन से। बस वो मिल जाए, बच्चा पढ़ने जाए या ना जाए लेकिन उनको राशन मिल जाए। ठीक, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, वो खेत को जाए, कुछ भी करे, घर में रहे, उससे उनको मतलब नहीं, बच्चा को राशन मिल जाए। तो उनकी सारी जो चीजें हैं, सारा जो कार्य है वो उनका राशन पर आकर टिक जाता है। बाकी सेंटर पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऊपर से क्या प्रावधान ला रही है, प्री प्राइमरी के तहत क्या क्या बुनियादी सुविधाएं केंद्रों को मिलनी चाहिए, क्या अधिकारियों के द्वारा वहां पर पहुंचाया गया है, ऐसे मैटरों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता जबकि वहां पर रहना चाहिए। आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, बच्चा आपका वहां नामांकन है, तो कम से कम सुविधाओं के लिए आप भी तो लड़ो। जितना कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बंधी रहती हैं अपने ऊपर के अधिकारियों के सिस्टम से, लेकिन अगर लाभार्थी चाहे तो पट से सारी सुविधाएं उन केंद्रों को आसानी से मिल जाए और अधिकारियों के भी पसीने छूटने लग जाए। बस इस तरह से ग्रामीण लोग तो होने चाहिए जो जागरूक हो, जो जिम्मेदारियां अपने हाथों में भी लेना उचित समझे कि जो जो सुविधाएं आ रही हैं, जो प्रशासन से पैसा आ रहा है वो वहां लग भी रहा है या नहीं। जैसे आप देख रहे हैं प्री प्राइमरी के बहुत सारा सामान आया लेकिन क्या बच्चों को वो मिला, काफी जगह उसमें कटौतियां कर दी गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के लिए, और अच्छी सुविधाएं हो तो कुर्सी मेज होनी चाहिए लेकिन क्या हर जगह है, आप कहेंगे नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी कोई नहीं देता। जो 2-4 ऐसे पढ़े लिखे जागरूक जो लोग सामने आ जाते हैं बस उनके कारण ये चीजें संभव हो जाती हैं। खैर जो भी है, अब ऐसे ठेकेदारों की तो जो काम ही होता है मिली भगत से ही सब ऐसे कार्य करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर जिम्मेदार होंगे तो चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी और कोई भी ऐसी तरह से भ्रष्टाचारी नहीं होगी। और आंगनबाड़ी केंद्र में भले ही आप जो है अमीर घर के हैं, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं और आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए कि आप भी क्या करें, अपने जो है गाँव के जो भी विकास के लिए चीजें हैं उनमें अपना योगदान दें। जो गरीब बच्चे आ रहे हैं कम से कम उनका ही भविष्य उज्ज्वल होगा, उनको एक बेहतर बुनियादी शिक्षा मिल पाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में जब गवर्नमेंट दे रही है पैसा तो फिर अधिकारियों के पेट में क्यों जाए, वो पैसा उन केंद्रों के लिए लगे और वो अपना कार्य अच्छे से कर पाए। तो फिलहाल के लिए आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं।